जय हिंद साथियों। साथियों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप यूएसएससी सीजीएल 2024 की जो वैकेंसी आई है इसके लिए अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है भाई, और आपको जो है अपना एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करना है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्त अगर आप अपना जो है एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लेते हो, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, या पेंडिंग दिखाई दे रहा है, या कंटेंट नॉट वेरीफाइड का ऑप्शन आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में सारा डाउट आपको यूएसएससी से रिलेटेड सारा डाउट आज की इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। तो सर्वप्रथम आपको मोबाइल स्क्रीन में आना है, गूगल क्रोम ब्राउजर में आना है। उसके बाद आपको जो है गूगल क्रोम ब्राउजर में आने के बाद आपको ssc.gov.in डाल के सर्च करना पड़ेगा। तो आप हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हो भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो यहां पर हम ssc.gov.in डाल के सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप जो है पेज को स्क्रॉल करोगे, नीचे आओगे ना, तो यहां पर ssc का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो हम पेज को स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहां पर आपको ssc का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहां आने के बाद भाई आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद इसकी ऑप्शन साइड पे आ जाओगे। ऑप्शन साइड पे आने के बाद आपको जो है लॉगिन करना पड़ेगा। आप अपने पेज को लॉगिन करोगे तभी आपकी प्रोफाइल ओपन होगी। लॉगिन करने के लिए आपको यहां ऊपर में ऑप्शन दिखाई देगा लॉगिन और रजिस्टर का, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो अगर आप जो है पहले से फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिला होगा, तो आप उसे फिल करके जो है कैप्चा कोड फिल करना भाई। उसके बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। भाई आप हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आज की इस वीडियो में आपको पूरा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन स्टेटस सही है या नहीं है आज की इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहां से आप देखोगे तो आपकी प्रोफाइल जो है ओपन हो जाएगी। तो यहां प्रोफाइल ओपन होने के बाद आपको जो है यहां आपका जो है पेज को स्क्रॉल करोगे तो यहां आपको दिखाई देगा माई एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ माई एप्लीकेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आओगे तो यहाँ आपको यूएसएससी दिखाई देगा, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन 2024। उसके बाद यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस का आपको जो है ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। एप्लीकेशन स्टेटस का आपको जो है ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर आप सीजीएल 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। वो भी आप जो है फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आसानी से ऑर्डर कर सकते हो, जिसमें 2500 प्लस आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे और 25 मॉडल पेपर मिलेंगे, और आपको जो है सात सॉल्व पेपर यहां पर प्रोवाइड किया गया है। तो आप इसे जो है कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो। सबसे आपको अभी तक जो भी मार्केट में बुक आई है सबसे बेस्ट बुक है। आप आसानी से इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो। इसका जो है जो आपको इसका जो प्रश्न है वो जो है न्यू पैटर्न पर आधारित है। जो भी प्रश्न है इसमें आपको न्यू पैटर्न पर जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए यहाँ बेस्ट बुक है। एग्जाम पैटर्न भी बताया गया है आपको कितने एग्जाम, आप इसे आसानी से मार्केट से कहीं से भी ले सकते हो और इसे ऑर्डर भी कर सकते हो फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आसान। यहाँ क्लिक करते ही आपको जो है एप्लीकेशन स्टेटस आपका जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ से यहाँ कंटेंट वेरिफिकेशन स्टेटस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आपकी पूरी जो है फार्म की स्टेटस यहाँ पर सारा कुछ दिखाई देगा। आपका नेम दिखाई देगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा, अटेम्प्ट दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस देखिए भाई, अगर आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो है कॉन्टेंट नॉट वेरीफाइड बता रहा है तो आपको इससे कोई भी परेशानी नहीं है भाई। आपका जो है जो भी फॉर्म अप्लाई करते हैं स्टूडेंट सभी के फॉर्म में यही बताता है, तो आपका एडमिट कार्ड 100% आएगा, इससे आपको कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपका जो है एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग बता रहा है भाई, तो आपको अपना पेमेंट चेक कर लेना है कि पेमेंट वेरीफाइड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपका पेमेंट वेरीफाइड हो गया है, 100 रुपये आपने पे कर दिया है तब भी पेंडिंग दिखाई दे रहा है या रिजेक्ट दिखाई रहा है यहाँ पर, तो आप जो है अपना जो है वेट करना, आपको 48 घंटे वेट करना है। क्योंकि SSC एक बहुत बड़ी साइट होती है जहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों फार्म जो है अप्लाई किए जाते हैं। इसी कारण से जो है पेमेंट जो है अपलोड होने में देर हो जाती है, इसी कारण जो है सबका जो है पेंडिंग दिखाई देता है। तो आप देखोगे तो यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस जो है पेंडिंग दिखा रहा है, तो आपको वेट करना है। वेट करने के बाद आपका जो है पूरा सही हो जाएगा, आप जो है आसानी से अपना चेक कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहिए भाई, आपका सारे लोग का एडमिट कार्ड जरूर जारी होगा।